सेल डिवीजन चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका सेल डिवीजन के प्रोसेस है, जैसे मियोसिस और माइटोसिस के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इनमें एक एक स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। पीछे जो एक पेज मैंने डिस्कस किया है वहां से भी क्वेश्चन बनेगा और इस पार्ट से भी बनेगा, तो टोटल 2 से 3 क्वेश्चन इस सेल डिवीजन वाले पार्ट से बनते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसको हम अब डिस्कस करते हैं और यहाँ से क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उस चीज को आप यहाँ से प्रॉपरली देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एम फेज के जो डिवीजन है वो कितने पार्ट में हम क्लासिफाइड करके उनकी स्टडी करते हैं। बेसिकली जो एम फेज के डिवीजन है इसको हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और लास्ट में साइटोकाइनेसिस पार्ट ऑफ इसका डिवीजन में हमारा इन्वॉल्व होता है। तो ये इतनी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे, किस पार्ट में डिवाइड करेंगे, कोई भी डिटेल आपको नहीं देखना है, सिर्फ एनसीईआरटी की एक एक लाइन यहाँ से देखना है जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाएगा। अलग से ना तो हमें समझना है, ना ही कोई स्ट्रक्चर बनाना है, ना कोई फिगर बना के देखना है। जो एनसीईआरटी की कॉपी में दिया है उसी को आपको जस्ट देख लेना है कि उस लाइन में क्या इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले हम यम पेज को देखते हैं, तो इसमें है कि मोस्ट डायनेमिक पीरियड होता है लाइफ साइकिल का। तो पहला क्वेश्चन यही आ जाएगा कि यम पेज जो है हमारा मोस्ट डायनेमिक पेज कौन सा है, वो है एम पेज। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी नीड का ये बन गया। एंड इन्वॉल्विंग द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सेंस एंड क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंट ऑफ द प्रोजेनी सेल, पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल के क्या रहते हैं इसमें, सेम रहते हैं, आधे नहीं होते हैं एम पेज में। एक दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विटेरिशनल डिवीजन, मतलब कि बराबर डिवीजन इनका हो जाना। और ये जो होता है ये कहाँ पे होता है, 4 न्यूक्लियर स्टेज में जाके हमें मिलता है, एडियोकाइनोसिस प्रोसेस एंड वेरी एसेंशियल फॉर द अंडरस्टैंडिंग डिवीजन ऑफ द प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन द बिटवीन वेरियस स्टेज। एडियोकाइनोसिस में कितने स्टेज आपके इन्वॉल्व होते हैं ये आपको देखना। बेसिकली हम 2 पार्ट में करते हैं, कैरियोकाइनोसिस और साइटोकाइनोसिस। तो कैरियोकाइनोसिस बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो इसमें सबसे पहला पार्ट हम देखेंगे इसमें प्रोफेज। प्रोफेज को अगर हम देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या आपके नीट में आ सकता है, उन पॉइंट को सिर्फ हमें डिस्कस करना होता है, बाकी सारे पॉइंट्स को हटा देना होता है। प्रोफेज जो होता है हमारा स्टेज कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेज होता है जो माइटोसिस डिवीजन में फॉलो करता है और ये यस और जी टू फेज के इंटरफेज है। यस एंड जी टू फेज आर न्यू डीएनए को फॉर्म करता है क्योंकि यहीं पर डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। एंड मॉलिक्यूल आर फॉर्म नॉट द डिस्टिंक्ट एंड इंटरवेंट। प्रोफेज इज मार्क द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन एंड क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है, कंडेंसेशन रहता है वो धीरे धीरे क्या होता है थोड़ा सा डेवलप होता है एंड क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स द अंडर अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द क्रोमैटिन कंडेंसेशन एंड द क्रोमोसोम विच हैड द अंडरगो द डुप्लीकेशन ऑफ द एस फेज इंटरफेज एंड बीइंग द मूव ऑफ द टुवर्ड द अपोजिट पोल सेल एंड कंप्लीशन ऑफ द प्रोफेज। प्रोफेज के लास्ट तक आपको कहा चला जाता है, ये किन किन पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे, क्रोमोसोम आप मटेरियल कंडेंस रहेगा और कॉम्पैक्ट माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम्स रहेंगे, क्रोमोसोम्स आर स्कैन कंपोज्ड टू क्रोमेटिड्स अटैच्ड टूगेदर द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। दूसरा पॉइंट क्रोमोसोम विच हैड द अंडरगो डुप्लीकेशन, इसमें डुप्लीकेशन होगा और इंटरफेज बीइंग टू मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे ऑफ द सेल, ईच क्रोमोसोम रेडिएट ऑफ द कार्ड ऑफ टू द सेंटर ऑफ डॉटर विद द स्पिंडल फाइबर्स ऑफ अपीयरेंस। तो यहां से जो क्वेश्चन बनेगा बेसिकली वो क्या बनेगा कि कहां पर क्रोमोसोम कब जा रहा है, दोनों पोल्स पे चला जा रहा है, इसके लास्ट में शुरुआत में एक पहले शुरुआत में कंडेंस था, फिर धीरे धीरे ये बीच में आया और बीच से 2 पार्ट में ब्रेक होके दोनों ही कहां चले जाते हैं, हमारे पोल्स के ऊपर ही चले जाते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस आपके यहां से क्लियर होंगे, क्रिएट होंगे। अब अगला पॉइंट इसी का है, सेल ऑफ द एंड ऑफ द प्रोफेज व्हेन द व्यू ऑफ द अंडर माइक्रोस्कोप एंड द कॉम्प्लेक्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ न्यूक्लियस एंड एनवेलप, ये आपका क्या हो जाता है। नेक्स्ट है आपका मेटाफेज।